नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेड़ा और आप देख रहे हैं टेक दिस वीक, जहां मैं आपको हर हफ्ते देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज से रूबरू कराता हूं। और क्योंकि मोबाइल जगत का सबसे बड़ा इवेंट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अब शुरू ही होने वाला है, इसलिए आज मैं आपको उस इवेंट में होने वाले कुछ धमाकेदार फोन्स के बारे में सबसे पहले बताता हूं। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है खास मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में और क्या हुआ इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स गैलेक्सी S9 और S9 प्लस को MWC में पेश कर ही देगा। हालांकि लुक्स वाइज इन फोन्स में कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन स्पेसिफिकेशन वाइज ये काफ़ी दमदार लग रहे हैं। माना जा रहा है कि इनमें इस बार आपको स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट, 6GB की रैम, 18:9 रेशियो वाला डिस्प्ले और डुअल रियर कैमरास देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, कंपनी ने अपने इन फोन्स को फ्लिपकार्ट पर भी लिस्ट कर दिया है, जहां पर साफ तौर पर लिखा है कि 25 फरवरी से इनकी बुकिंग स्टार्ट होगी। नोकिया भी इस इवेंट में अपना मच अवेटेड फ्लैगशिप स्मार्टफोन नोकिया 9 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस फोन को लेकर अभी कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें आपको गैलेक्सी नोट 8 की तरह डुअल कर्व डिस्प्ले, 6GB की रैम और डुअल रियर कैमरास देखने को मिल सकता है। इसके अलावा खबर आई है कि शायद कंपनी MWC 2018 में नोकिया 7 प्लस और नोकिया 1 को भी पेश कर दे। भले ही साल 2017 में एसुस कंपनी थोड़ी कमजोर पड़ गई, लेकिन लगता है कि इस साल कंपनी किसी भी लिहाज से पीछे नहीं रहना चाहती। जी हां, माना जा रहा है कि बार्सिलोना में होने वाले इस इवेंट में कंपनी एसुस Zenfone 5 सीरीज के अंदर कुछ धमाकेदार फोन्स पेश कर सकती है, जो कि कम बजट के होने के साथ साथ स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट, 6GB की रैम, डुअल रियर कैमरास और 18:9 रेशियो वाले डिस्प्ले से लैस हो सकती है। Xiaomi भी इस साल अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लेकर काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रही है। जी हां, खबरों की माने तो कंपनी इस फोन को दमदार स्पेसिफिकेशन से लैस कर सकती है। अटकलें आ रही हैं कि शायद इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट, 8GB की रैम, 18:9 रेशियो वाला डिस्प्ले, एंड्रॉयड ओरियो, 3170mAh की बैटरी और स्क्रीन के नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। अब बात करें कुछ नेशनल न्यूज़ की, तो जैसा कि मालूम था कि Xiaomi इस साल भी अपनी Redmi Note सीरीज़ के नए स्मार्टफोन को लॉन्च करके कुछ धमाका करेगी, तो ठीक वैसा ही हुआ। जी हाँ, कंपनी ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 22 फरवरी को हुई पहली फ्लैश सेल में कंपनी ने 3 सेकेंड में Redmi Note 5 के 300,000 हैंडसेट बेचे हैं। इसे देख कर लगता है कि Xiaomi Redmi Note 5 सेल के मामले में Redmi Note 4 से भी आगे निकल जाएगा। लगभग सभी टेलीकॉम कंपनीज रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए एक के बाद एक प्लान्स लॉन्च करती जा रही हैं, लेकिन जियो को जो सही मायने में तगड़ा कंपटीशन दे रही है वो है एयरटेल। जी हाँ, रिलायंस जियो के ₹19 डे वाउचर के तुलना में एयरटेल ने अपना सबसे सस्ता प्लान लॉन्च किया है। यानी कंपनी आपको ₹9 में एक दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स, 100 SMS, 100 MB डेटा और फ्री रोमिंग मुहैया करवा रही है। साल 2017 में गूगल ने अपने OS एंड्रॉयड ओ यानी ओरियो को पेश किया था, और इस साल कंपनी अपने नए OS एंड्रॉयड पी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी इस साल सिक्योरिटी फीचर्स पर ज़्यादा ध्यान देगी। अब तक आपने देखा होगा कि लगभग सभी एप्लीकेशंस आपके कैमरा, फोटोज़ और माइक्रोफोन को एक्सेस कर पाती हैं, लेकिन इस नए OS में कंपनी इस एक्सेस को ब्लॉक कर देगी, और जब तक आप इन एप्लीकेशंस को परमिशन नहीं देंगे वो इन फीचर्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। 4G में रिलायंस जियो ने भले ही धमाका किया हो, लेकिन लगता है कि 5G एयरटेल के नाम हो जाएगा। जी हाँ, कंपनी ने इसका ट्रायल शुरू कर दिया है, जिसके लिए एयरटेल ने मानेसर गुड़गांव में सेटअप भी कर दिया है। यही नहीं, कंपनी ने इसके लिए हुआवे के साथ टाइप किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि शायद साल 2018 के अंत या फिर साल 2020 के शुरुआत तक आपको 5G इंडिया में देखने को मिल जाए। तो ये था इस हफ्ते का टेक्नोलॉजी ज्ञान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज़ से रूबरू हो गए होंगे। हालांकि मैंने इस एपिसोड में आपको MWC की कुछ ही खबरें बताई हैं, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको पूरा MWC का एक स्पेशल एडिशन दिखाऊंगा, जिसमें सारी MWC की खबरें मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।